हाय एवरीवन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोयाबीन का ऐसा नाश्ता जो आपने कभी नहीं खाया होगा एकदम यूनिक और अनोखी रेसिपी है और इतनी लाजवाब है कि एक बार प्लेट में रखेंगे ना तो प्लेट पूरी साफ हो जाएगी साथ ही इसके साथ में एक स्पेशल चटनी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो आइए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं तो आगे आगे देखे देखे। मैं गीता वर्मा, गीता वर्मा की रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं फिर से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना कॉमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा साथ ही अगर चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी है गैस पे जिसके अंदर मैं एक कप सोयाबीन चंक्स डाल रही हूं दस से बारह लहसुन की कलिया दो बड़े साइज के लाल टमाटर यहाँ पे मैंने देसी टमाटर का इस्तेमाल किया जिसके पीछे मैं क्रॉस का निशान लगा के इसमें रख दूंगी अब मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली है जिसे मैंने दो टुकड़ों में कर लिया है इसे भी मैं इसी में डाल देती हूँ साथ ही यहाँ पे दो हरी मिर्च डाल देते हैं अब इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ एक बड़ा कप यहाँ पे मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसे हम पानी में डिप कर देते हैं गैस को ऑन कर देते हैं और यहाँ पे एक चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है ध्यान रहे ये थोड़ा सा जो सब्जियां हैं अच्छे से डूब जानी चाहिए और इसे मैं 10 मिनट के लिए पका लेती हूँ तो यहाँ पे 10 मिनट में ये सारी चीजें पक गई है गैस बंद कर देते हैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें ठंडी हो गई है तो हमें क्या करना है यहाँ पे सोयाबीन देख सकते हैं आप बहुत सॉफ्ट हो गया है तो सोयाबीन को हम अभी फिलहाल साइड में रख देंगे और यहाँ पे हम चटनी तैयार करने वाले हैं तो जो प्याज है वो मैंने इसमें डाल दी है मिक्सी के जार में और यहाँ पे टमाटर का जो छिलका है वो उतार के हम इसमें डाल देंगे तो यहाँ पे कट लगाने की वजह से देखिए छिलका कितना आसानी से उतर जाता है अब लहसुन की कलिया भी ऐड कर देंगे और जो दो हरी मिर्च हमने डाली थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे अब इसे हम पीस लेंगे इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे प्यूरी तैयार हो गई है पर ये अभी चटनी हमारी तैयार नहीं हुई है क्योंकि अभी हमें चटनी तैयार करनी है तो यहाँ पे फिर से गैस ऑन करेंगे और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने दो टेबल स्पून तेल डाला है तेल गर्म हो जाए तो हाफ टी स्पून सरसों के बीज डाल देंगे सरसों के बीज को हम चटकने देंगे अब इसके अंदर मैंने देगी मिर्च डाली है एक टीस्पून और साथ ही टमाटर का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो डाल दिया है यहाँ पे थोड़ा सा जो वीडियो है नहीं शूट हो पाया थोड़ा सा मिस हो गया था अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने काला और सफेद नमक दोनों इस्तेमाल किया है चटनी को दो मिनट के लिए पकने देंगे अब मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ एक टेबल स्पून के करीब और यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दी है और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी एक चम्मच चीनी तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी हल्की सी मिठास वाली चटनी तैयार हो जाएगी एक खट्टी मीठी चटनी है टमाटर की जो कि किसी भी स्नैक के साथ आप खा सकते हैं अगर डोसा के साथ भी खाना चाहते हैं ना तो ये तब भी बहुत टेस्टी लगती है तो इसे आप डोसा के साथ या किसी भी स्नैक के साथ किसी भी नाश्ते के साथ सर्व कर सकते हैं तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई है इसे साइड में रखते हैं अब जो हमने सोयाबीन लिया था सोयाबीन का जो पानी है वो अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेंगे और इसे हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक तो यहाँ पे हमारा सोया का कीमा तैयार हो गया है अब इसके अंदर मैं डाल रही हूं थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च प्याज बारीक कटी हुई थोड़ी सी और यहाँ पे गाजर ली है मैंने एक जिसे कद्दूकस कर लिया है तो आप और भी सब्जियां इसके अंदर डाल सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी नाश्ता होने वाला है यहाँ पे मैंने दो से तीन हरी मिर्च डाल दी है बारीक कटी हुई अगर बच्चे नहीं खाते आपके तो इसे स्किप कर सकते हैं एक उबला हुआ आलू मैं इसमें कद्दूकस करके डाल रही हूं तो ये मैंने आलू भी कद्दूकस कर दिया है अब इसके अंदर मैं नमक ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग एक, एक टीस्पून चाट मसाला हाफ टी स्पून गरम मसाला चार टेबल स्पून इसमें हमें डाल रही हूं कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियाँ आप बारीक-बारीक काटे नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ये बहुत ही ऐड की हैं जिसकी वजह से नाश्ता बहुत टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है बच्चे इसे बहुत मन से खाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मिक्सचर तैयार है इसे बाइंड करके देखेंगे बहुत ही आसानी से बाइंड हो रहा है तो यहाँ पे मैं हाथ में तेल लगा लेती हूँ और इसके हम कटलेट्स बनाने वाले हैं आप इसे वेज कबाब भी बोल सकते हैं कटलेट्स भी बोल सकते हैं तो जैसी शेप आप देना चाहें वैसे दे सकते हैं मैं इसे थोड़ी सी डिफरेंट शेप देने वाली हूँ जैसे कि बच्चों को ये बहुत अट्रैक्टिव भी लगता है और खाने में तो टेस्टी होता ही है तो यहाँ पे देखिए इस तरह की शेप मैं दे रही हूँ तो आप गोल रेक्टेंगुलर स्क्वायर कैसी भी शेप दे सकते हैं जैसी आपको पसंद हो तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इस तरह की शेप दी है तो ये देखने में काफी सुंदर लगता है और इसे आप मैंने इसे नाम दिया है सोया वेज कबाब बाकी आप आपके आप ऊपर है आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा तो एक और मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ तो यहाँ पे ये देखिए दूसरा कबाब भी हमारा तैयार हो गया है तो इस तरह से हम सारे तैयार करके रख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं अब इसके ऊपर हमें एक बहुत ही अच्छी सी कोटिंग करनी है जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो टेबल मैदा और दो टेबल स्पून में यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाल रही हूं इसके अंदर हम पानी डालेंगे और एक इसका मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लेंगे तो पहले थोड़ा ही पानी डालें क्योंकि इसमें लम्स बन जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करें तो अच्छे से, से स्मूथ कर लें बिल्कुल भी लम्ब्स वगैरह ना रहे और मीडियम कंसिस्टेंसी का घोल तैयार कर लें अब यहाँ पे मैंने ये घोल ले लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे ब्रेड को पीस लिया है इसे ब्रेड क्रम तैयार कर लिए हैं तो अब मैं क्या कर रही हूँ ये जो कटलेट है इसे हम डिप करेंगे इस घोल में और फिर इस ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे यहाँ पे जो ब्रेड क्रम लिया है मैंने ये फ्रेश है जो ब्रेड बच जाती है फ्रिज में रखी रहती है कई दिन की तो उसे मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में और ये हमारा ब्रेड क्रम तैयार हो गया है इसे इस तरह से कोट कर लेंगे और अब गरम गरम तेल में मैं इसे शैलो फ्राई करने वाली हूँ यहाँ पे मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है ताकि ये हमारे लिए हेल्दी हो तो इस तरह से बस इसे मीडियम हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करना है दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक ध्यान रहे गैस को धीमा ना करें नहीं तो फिर ये ऑयल को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर आपके कटलेट टूट भी सकते हैं और बहुत ज्यादा ऑयली भी हो सकते हैं तो यहाँ पे मैं इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ तो जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इन्हें पलटें वो आपको पता चल जाएगा कि एक साइड से क्रिस्पी हो गए हैं नहीं तो जब लगे कि एक साइड से क्रिस्पी हो गए हैं काफी अच्छा कलर आ गया तो इसे इस तरह से आराम से पलट दें इसी तरह से आपको पलटते हुए इसे दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है तो यहां पे ये देखिए कितने मजेदार हमारे कबाब कटलेट कुछ भी कहिए तैयार हो चुके हैं देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं ये देखिए कलर भी कितना बढ़िया आया है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी अंदर से उतने ही सॉफ्ट बहुत लाजवाब लगते हैं गर्मा गर्म आप इन्हें सर्दियों में सर्व करें आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे इसे खा के इतनी मजेदार रेसिपी है और देखा कितनी जल्दी बन गई बहुत ही झटपट वाली रेसिपी है तो जब भी इस तरह का कुछ खाने का मन करे तो आप इसे फटाफट बनाइए और इंजॉय कीजिए गारंटी है मेरी एक बार नहीं बार बार बनाना पसंद करेंगे इतने टेस्टी है, इतने लाजवाब लगते हैं साथ ही हेल्दी भी बहुत ज्यादा है तो ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है ये देखिए हो गए ना तैयार झटपट से तो जब भी मेरे मेहमान आते हैं मैं इस तरीके से सर्व करती हूँ और मुझे और मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद है। तोड़ के दिखाती तो ट्राई करते हैं तो फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा ये भी लिख के बताइएगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ टिल